विराट भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। मेरी रिंग मिल गई। ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है ना, हाथ से स्लिप हो गई थी। तुम्हें पता नहीं कल रात ना मेरी और विराट की एंगेजमेंट हो गई। देखो अपनी रिंग को आगे से संभाल कर रखना चाहना, ऐसे ही कहीं गिर ना जाए दोबारा। वैसे शादी वादी तो लक की बात होती है, लेकिन तुमने मेरी एंगेजमेंट तोड़वाई थी ना, और आज देखो खुद टूटी हुई हो और मेरी एंगेजमेंट के किस्से सुन रही हो। सैड। वैसे अच्छा ही हुआ मैं और मेरा विराट दोबारा मिले और हमारी लव स्टोरी फेमस हो गई। पिछली बार अगर शादी होती ना तो मुझे थोड़ा अफसोस जरूर होता, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था ना। अब सब ठीक है। एक ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? सॉरी झरना, लेकिन ये कोई शादी नहीं, एक प्रोफेशनल डील है। तुम्हारे डैड डीआईजी है ना, इसीलिए मेरे डैड ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। वैसे तुम्हारा गिल्ट भी थोड़ा कम हुआ होगा ना, कि जिसकी एंगेजमेंट तोड़वाई थी अब वो दोनों साथ हो गए तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ बोल ही दो, क्या सुनना चाहती हो तुम? Congratulations to both of you. I wish तुम और विराट ना हमेशा खुश रहो। Take care. वैसे तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे और मेरे विराट के लिए खुश हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मस्ती क्या तुम अपने आप को? मुझे मैं समझती नहीं क्या तुम क्या कर रही हो? मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो ना, तब से मैं सह रही हूं। Carefully. पहली बात, जब सीधा सीधा मैं कॉन्ग्रेट्स कर रही हूँ समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ समझ में आता ना तो इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं मोड़ना पड़ता मुझे। और दूसरी बात, मैं कोई टूटी फूटी लड़की नहीं हूँ, आई एम एब्सोल्युटली ओके। और हाँ तीसरी बात, मेरा पीछा करने से अच्छा अपने विराट को जाके अपने पल्लू से बांध लो, क्योंकि बहुत जल्द वो भी तुम्हें धोखा देगा, छोड़ देगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं। और हाँ चौथी बात, अगर तुम्हारी ये घटिया सी रिंग मेरे आस पास भी दिख गई ना मुझे, तो इस रिंग के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी तोड़ दूंगी, समझी? पांचवी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, फाइनली यू गॉट एंगेज टू द लव ऑफ योर लाइफ, फाइनली। संभाल कर रखना। यू साइको, यू क्रेजी, यू साइको, यू आर क्रेजी, इडियट, स्टूपिड। ईव, तुमने झरना से झगड़ा क्यों किया? चलो माफी मांगो उससे। ईव, मैंने कहा झरना से माफी मांगो।
सॉरी बोले मेरी जुत्ती। सॉरी सर, आपके सामने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देख लिया सर, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है। अब आप ही फैसला कीजिए, या तो हम यहाँ काम करेंगे या तो ये। हम मतलब हम सब, हम में से कोई भी नहीं आएगा अगर हीर आएगी यहाँ तो। ओह हेलो, हु आर यू टू डिसाइड दिस? वैसे सर गलती ना इस झरना की होगी। यहाँ कौन कौन नहीं आएगा कल अगर हीर आएगी तो? किसी प्रॉब्लम है हीर से प्लीज रेज योर हैंड्स। ये फोन और टैबलेट्स आप सबके लिए है, जिसे जो अच्छा लगे ले लो। बस मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए, बट आई लव विराट, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे विराट के करीब आने में थोड़ा मदद करें। अरे 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 अरे, हमारा तो पैकअप हो गया। अब एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहां से। सर प्लीज, एक बार हीर को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। देखो इसमें किसकी कितनी गलती है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। अगर अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें हीर से प्रॉब्लम है, तो हीर को यहां से जाना होगा। ये मेरा ऑर्डर है। 5 दिन बाद तुम्हें एनजीओ के ग्रुप से धक्के मार के ना निकलवा दिया ना। और अगर मैं नहीं गई कॉलेज से कहीं तो क्या करोगे विराट? तो फिर अपना रास्ता बदल लो। ओके सर। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? कहा था ना 5 दिन, लेकिन तुम्हारा विकेट तो 3 दिन में ही गिर गया। जानती हो क्यों? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी, और बप्पा के आने से पहले सारी बुराई खत्म हो जाती और उनके आने के साथ साथ अच्छाई की नई शुरुआत होती। अरे तुम क्या समझोगी? विराट सिंह, बिल्कुल सही कहा तुमने अभी अभी नीचे कि गणपति बप्पा के आने के साथ साथ ना अच्छाई शुरू होती है। तो अब मेरा चैलेंज ये है कि तुम अपने बाप का या अपनी इस नई नवेली मंगेतर का सारा दम लगा लो। हीर सिंह तो रोज कॉलेज आएगी, कल भी कॉलेज आएगी, परसों भी कॉलेज आएगी, उसके बाद भी हर दिन कॉलेज आएगी और इसी एनजीओ में आकर काम भी करेगी। इतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम समझते हो। ये किन्नर जब देखो मुझे सुना के चली जाती है।